हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेस डिज़ाइन। इसे दुपट्टा पे, स्लीव्स पे, नेक पे बना सकते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी कॉटन थ्रेड और 90.85 mm की नीडल। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस तरह से पहले नॉट बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। उसी जगह पे डबल क्रोशिया, वापस डबल क्रोशिया। उस जगह पे नहीं बनाना है, उसके बाजू में एकदम से। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन, डबल क्रोशिया, तीन बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पांच चेन बनाएंगे। पांच चेन बन गया। यहां पे डबल क्रोशिया, वापस पांच चेन बनाएंगे। पांच चेन बनाने के बाद इतने गैप पे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से तीन बार डबल क्रोशिया। फिर से पांच चेन बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाए थे। इसी तरह से बनाते जाना है पांच। डबल क्रोशिया, इस तरह से एक बार पूरे दुपट्टा पे बना लेना है। मैं इतना बनाई हूँ। इसके बाद यहाँ पे धागा को कट करेंगे एक चेन बनाने के बाद। और वापस से यहाँ से शुरू करेंगे। ये धागा यहाँ पे ख़राब दिखेगा, इसलिए इसको इस तरह से यहाँ पे खींच लेना है। और यहाँ पे काट देंगे। इसी तरह से इसे भी करना है बाद में बनाने के बाद।
नॉट बनाने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जहाँ एक चेन बनाए थे डबल क्रोशिया चार चेन सिंगल क्रोशिया एक चेन डबल क्रोशिया चार चेन सिंगल क्रोशिया एक चेन डबल क्रोशिया चार चेन यहाँ सिंगल क्रोशिया एक चेन डबल क्रोशिया वापस से चार चेन सिंगल क्रोशिया एक चेन यहां डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया एक चेन डबल क्रोशिया चार बार चेन सिंगल क्रोशिया एक चेन डबल क्रोशिया एक चेन डबल क्रोशिया फिर से चार चेन सिंगल क्रोशिया
आप देख सकते हो कितनी आसान लेस और कितनी खूबसूरत है, पूरी बन चुकी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक खूबसूरत सी डिज़ाइन के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।